चंपावत जिले के टनकपुर क्षेत्र में मां पूर्णागिरी धाम में 26 मार्च से 15 जून तक चलने वाले सरकारी मेले को लेकर चंपावत जिलाधिकारी ने एक बैठक की। इस दौरान अलग अलग विभागों की ओर से मेले को दी जाने वाली सुविधा और कार्य के बारे में जानकारी ली गई। देश भर से मेले में आने वाले हजारों लाखों श्रद्धालुओं को जरूरी सुविधाएं मुहैया की जाए, इस विषय को लेकर भी सभी विभागों और मंदिर समिति के पुजारी के साथ बैठकर सभा की गई। जून के मध्य में इस वर्ष जो है श्री पूर्णागिरी मेले का आयोजन किया जाएगा, तो उसी के तैयारियों की आज समीक्षा बैठक की गई थी और ये देखा कि सर इसमें जो मुख्य व्यवस्थाएं हैं इस वर्ष जिला पंचायत द्वारा की जानी है, तो जिला पंचायत ने जितने भी टेंडर्स आदि की प्रक्रिया थी वो पूर्ण कर ली गई है। समीक्षा के दौरान कुछ सुझाव विभागीय डिपार्टमेंट से आए थे, विशेषकर अग्निशमन को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, पेयजल को लेकर, तो वो छुटमुट कार्यों के लिए जो संबंधित कार्यदायी संस्था है उनको निर्देश दिए गए हैं। हमें उम्मीद है कि इस बारी जो मेला होगा वो पहले से जो होगा और व्यवस्थित होगा और ऑर्गेनाइज रूप से होगा।